नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके का चौथा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और ये चौथा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? भारत में नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, भारत में जो शहर है वो नदियों के किनारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली नदी यमुना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो हम लिख लेते हैं। देखिए, यमुना नदी पहला है यमुना। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? पहला, तो यमुना नदी के किनारे सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पूछा जाता है, दिल्ली तो पूछा गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली हो गया। मथुरा, दिल्ली मथुरा, दिल्ली मथुरा, आगरा इटावा, आगरा, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली मथुरा आगरा। ठीक है, इटावा भी बसा है, इटावा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं लिख देता हूँ इटावा। ठीक है, दिल्ली हो गया, मथुरा, आगरा, इटावा, और एक और इंपॉर्टेंट अगर शहर है तो वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका नाम बदलकर अब प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो ये चार शहर हैं इंपॉर्टेंट, पांच शहर, चार इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से दिल्ली मथुरा आगरा और इलाहाबाद। ठीक है, इटावा याद रखिएगा, इटावा भी इसी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी पर ये पांच शहर हो गए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पांचों शहर। अगले आते हैं दूसरी जो नदी है, दूसरी रिवर दामोदर नदी। तो दामोदर नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं? दामोदर नदी, ये दामोदर नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो शहर है बोकारो, ये झारखंड में पड़ती है नदी। ठीक है, जब नदियां पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे वहां पे। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड में है। ठीक है, तो बोकारो ये सबसे हो गया, और बोकारो, आसनसोल बिहार और झारखंड की नदी है ये, आसनसोल उधर ही के शहर हैं ये सारे, बोकारो, आसनसोल। ठीक है, रानीगंज। ठीक है, रानीगंज के बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर भी वहीं पे है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये शहर, दुर्गापुर, रानीगंज, दुर्गापुर, ये इतने शहर हैं इंपॉर्टेंट, बोकारो, आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर, ये दामोदर नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। आगे आते हैं तीसरा, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ वहां का इंपॉर्टेंट है, डिब्रूगढ़ जो शहर है वो ब्रह्मपुत्र पर बसा हुआ शहर है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा डिब्रूगढ़, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, डिब्रूगढ़ के बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी हो गया, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, और ठीक है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, और एक और बचा तेजपुर। तेजपुर भी बसा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूं तेजपुर। ठीक है, ये तीन शहर
शहर थे जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे थे? इनमें से डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दो शहर इम्पोर्टेंट हैं, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तेजपुर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको तीन शहर, तीन नदियां बताई, यमुना, दिल्ली, मथुरा, आगरा और इलाहाबाद। ये इम्पोर्टेंट था, इटावा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दामोदर नदी पर ये चारों इम्पोर्टेंट है, बोकारो, आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर। ठीक है, ये चारों इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनी हुई है। आगे आते हैं, ब्रह्मपुत्र पर बात करें तो ब्रह्मपुत्र पर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी इम्पोर्टेंट है। गुवाहाटी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि गुवाहाटी किस नदी पर है, तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तेजपुर, तेजपुर की बात करते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं तेजपुर, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ध्यान लिख लीजिएगा। अब हम बात करें गोदावरी, गोदावरी नदी पर बात करें कि गोदावरी नदी किस, गोदावरी, तो गोदावरी अगर नदी हम नदी की बात करें तो गोदावरी नदी पर सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नासिक, नासिक कि नासिक किस नदी पर है, तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, नासिक। फिर निजामाबाद, ठीक है, निजामाबाद, 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 नासिक, निजामाबाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं गोदावरी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नासिक और निजामाबाद। ठीक है, निजामाबाद के बाद राजमुंद्री, ये भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजमुंद्री, राजमुंद्री ये भी गोदावरी नदी पर है। तो गोदावरी नदी पर तीनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नासिक किस नदी के किनारे बसा है, तो नासिक गोदावरी नदी पर है। निजामाबाद, राजमुंद्री ये भी गोदावरी नदी पर स्थित शहर है। ठीक है, तो हमने ये पांच, चार शहर बताए, पांचवा शहर मैं आपको बताता हूँ, पांचवा नदी, तो पांचवी नदी है नर्मदा। अब नर्मदा नदी पर स्थित जो शहर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नर्मदा, नर्मदा, ठीक है, तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से शहर हैं? सबसे इंपॉर्टेंट शहर भरूच, भरूच ये शहर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार भरूच किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद ये भी कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है होशंगाबाद। ठीक है, और जबलपुर, होशंगाबाद के बाद जबलपुर, 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 ठीक है, और एक और है मांडला, 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 ठीक है। तो ये चार शहर थे जो नर्मदा नदी पर स्थित हैं। फिर से मैं एक बार व्यवस्था करता हूँ, भरूच, होशंगाबाद, जबलपुर और मांडला। तो मैंने आपको ये पांच शहर, पांच नदियां बताई, पांचों नदियों पर जो बसे हुए शहर हैं उनके बारे में मैं आपको बताया। एक बार रिवाइज कराते हैं, यमुना, यमुना नदी पर जो शहर है वो है दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा और इलाहाबाद, इसको प्रयागराज बोलते हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा और इलाहाबाद। दामोदर नदी की बात करें तो बोकारो, आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर, बोकारो, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर। आगे गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गोदावरी नदी के, नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री। नर्मदा नदी पर भरूच सबसे इंपॉर्टेंट, भरूच, होशंगाबाद, भरूच, होशंगाबाद, जबलपुर और मांडला, भरूच, होशंगाबाद, जबलपुर और मांडला, ये चार जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो मैंने आपको पांच नदियां बताई, पांचों नदियों पर बसे हुए ये शहर थे। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स नंबर पर, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, फिर हम सिक्स नंबर पर चलते हैं। अगली नदी पहले लिस्ट कर देते हैं,
ठीक है, चलते हैं सिक्स्थ, अगली नदी कृष्णा नदी पर चलते हैं। सिक्स्थ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं? तो कृष्णा नदी की बात करें तो सतारा सबसे इंपॉर्टेंट है, सतारा, सतारा, सतारा ये कृष्णा नदी पर है। सांगली, सांगली ये पूछे गए हैं, इस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे बसे हुए हैं ठीक है, जो पूछे गए हैं उनकी हम बात करें, सतारा, सांगली और एक और है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है वो पूछा गया है कि विजयवाड़ा किस नदी पर है? ठीक है, अब विजयवाड़ा, सतारा, सांगली और सतारा ये सब अंग्रेजों के जमाने से शहर हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। वैसे तो बहुत सारे नए शहर बसे हुए हैं, हर राज्य से निकलते तो बहुत सारे बसे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शहर हैं जो इस नदी पर बसे हैं, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, सतारा हो गया, सांगली और विजयवाड़ा, ये कृष्णा नदी की बात हो गई। अगर हम सातवें पर चले, अगली नदी, अगली नदी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी पर भी इंपॉर्टेंट एक शहर है, मैं बताता हूँ कावेरी। तो कावेरी नदी पर कौन सा शहर इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, पढ़ा होगा आपने इतिहास में, श्रीरंगपट्टनम ये शहर इसी नदी पर बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम ये शहर इसी नदी पर बसा हुआ है। ये देखिए सारे अंग्रेज वहां उसी समय के हैं, पिछले सतारा भी हो गया, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये अंग्रेजों के समय के ये शहर हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये पूछे भी गए हैं कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। और आगे बात करें तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली ये भी शहर आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और लास्ट बचता है तंजावुर, तंजावुर, ठीक है, तंजावुर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये आपके कावेरी नदी पर स्थित शहर है, समझ में आया? चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर, एट्थ चलते हैं, एट्थ पे आठवीं नदी कौन सी है? आठवीं अगर झेलम नदी की बात करें तो झेलम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है झेलम का। झेलम में एक इकलौता शहर है झेलम नदी पर जो पूछा गया है, ये है श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये आपका झेलम नदी पर स्थित है। आगे आते हैं नाइन्थ, गंगा नदी। तो गंगा नदी पर बसे जो शहर हैं, गंगा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं? हरिद्वार, बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा नदी पर सारे शहर, हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है, कन्नौज, कन्नौज, हरिद्वार, कन्नौज, ठीक है, कानपुर, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, यमुना नदी पर भी बसा हुआ था इलाहाबाद, हमने आपको बताया था। ये हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है, आगे आते हैं बनारस, पटना, बनारस, पटना, ठीक है, बनारस और पटना ये हो गए गंगा नदी पर बसे हुए शहर। ठीक है, आगे आते हैं टेंथ, अगला कौन सी नदी है? अगली नदी कौन सी है?
अगली नदी की अगर हम बात करें तो अलकनंदा, अलकनंदा पर एक शहर जो है इंपॉर्टेंट, अलकनंदा, अलकनंदा इस पर एक शहर इंपॉर्टेंट है और वो है बद्रीनाथ धाम, जो था बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ धाम तो ये अलकनंदा नदी पर है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ है। तो ये आपने, हमने आपको पांच पहले भी बताए थे, फिर पांच ये बताए, एक बार रिवाइज करा देते हैं। कृष्णा नदी पर तीन शहर हैं, सतारा, सांगली और विजयवाड़ा। सतारा, सांगली और विजयवाड़ा। ठीक है, हमारे साथ रिपीट करिएगा, दो तीन बार बोलिएगा तो याद हो जाएंगे, सतारा, सांगली और विजयवाड़ा। कावेरी पर श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, तंजावुर, ये तीन शहर हैं जो आपके कावेरी नदी पर है। ठीक है, झेलम नदी की बात करें तो श्रीनगर, झेलम नदी श्रीनगर। ठीक है, झेलम नदी पर श्रीनगर बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। गंगा नदी पर हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और पटना। हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और पटना। और अलकनंदा पर सबसे इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ। समझ में आ रहा ना? चलिए, ये पांच हो गए, पांच हमने आपको पहले बताए, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इलेवेंथ नंबर नोट करते रहिएगा, नोट करके नोट्स बना लीजिएगा और दूसरे तीसरे दिन देखते रहेंगे तो याद होता रहेगा। ठीक है, या इस वीडियो को दो तीन बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, इलेवेंथ पर सतलज नदी, सतलज नदी पर कौन सा शहर बसे हैं? इलेवेंथ, सतलज, तो सतलज नदी पर बसा हुआ शहर फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर ये पूछा गया है, फिरोजपुर, फिरोजपुर, फिरोजपुर और एक और शहर लुधियाना, लुधियाना। ठीक है, फिरोजपुर और लुधियाना ये दोनों सतलज नदी पर बसे हुए शहर हैं। ठीक है, आते हैं ट्वेल्थ नंबर पर, सतलज नदी के बाद बारहवें नंबर पर आते हैं राप्ती। ठीक है, राप्ती, इस नदी पर एकमात्र शहर जो इंपॉर्टेंट है वो है गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर इस नदी पर है, गोरखपुर इंपॉर्टेंट है। थर्टींथ नंबर पर आते हैं, तेरा, राप्ती पर नदी पर गोरखपुर स्थित है। इसके बाद आए तो सतलज, सतलज नदी पर देख लेते हैं, ये हम बता ही चुके हैं, सतलज और राप्ती दोनों नदियां हम बता चुके हैं। सरयू नदी सबसे ये पूछा गया कई बार कि सरयू, क्वेश्चन आया किस तरह है, ये पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आगे आते हैं, 14th क्वेश्चन, 14th, अगला राज्य चंबल, चंबल नदी पर कौन कौन से बसे हैं शहर? चंबल, तो चंबल नदी पर बसे हुए जो शहर हैं वो है कोटा और ग्वालियर। ठीक है, कोटा और ग्वालियर, कोटा राजस्थान वाला, कोटा और ग्वालियर, कोटा और ग्वालियर, ये दोनों शहर चंबल नदी पर बसे हुए शहर हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों शहर, कोटा और ग्वालियर, ये दोनों चंबल नदी पर हैं। आगे आते हैं 15th पर, 15, अगला है अगर हम बात करें तो लूनी रिवर, लूनी, लूनी नदी। ठीक है, तो लूनी नदी पर कौन सा शहर बसा है? एकमात्र शहर अजमेर, अजमेर जो है वो लूनी नदी पर, अजमेर। ठीक है,
लूनी नदी पर एकमात्र शहर बसा हुआ है अजमेर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पांच, हमने आपको पद बताए फिर से। सतलज, सतलज नदी पर कौन से फिरोजपुर और लुधियाना, हम रिवाइज करा देते हैं एक बार देखिएगा। सतलज, तो सतलज नदी पर फिरोजपुर और लुधियाना, सतलज नदी पर। राप्ती, राप्ती पर गोरखपुर। सरयू अयोध्या, ये इंपॉर्टेंट है। चंबल कोटा और ग्वालियर, चंबल नदी पर कोटा और ग्वालियर स्थित है और लूनी नदी पर अजमेर स्थित है। ठीक है, अजमेर जो है वो लूनी नदी पर स्थित है। आगे आते हैं, 16th नंबर पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर 16th पर चलते हैं। 16th नंबर पे, तो 16th नंबर पे आते हैं साबरमती नदी पर, साबरमती रिवर। ठीक है, साबरमती, साबरमती, तो साबरमती पर कौन कौन से शहर बसे हैं, एक इकलौता जो इंपॉर्टेंट शहर है साबरमती पर वो है अहमदाबाद। ठीक है, ये पूछा भी गया है कि अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है, तो अहमदाबाद साबरमती पर स्थित शहर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद साबरमती पर, गुजरात में ये नदी। आते हैं 17th नंबर पर, अगर हम ताप्ती की बात करें, हाँ राप्ती था पहले, अब हम ताप्ती की बात करते हैं। ठीक है, तो राप्ती नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर हमने को बताया था अब वो था गोरखपुर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ताप्ती की बात करें, तो ताप्ती नदी पर बसा हुआ एकमात्र शहर सूरत, जो इंपॉर्टेंट है सूरत। ठीक है, ये सूरत शहर ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। ताप्ती और राप्ती में डिफरेंस है, राप्ती नदी है गोरखपुर, बसा हुआ है राप्ती नदी पर, और ये ताप्ती है सूरत। आगे आते हैं 18th नंबर, अगली जो है वो है शिप्रा नदी, शिप्रा या छिप्रा भी बोलते हैं, शिप्रा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, इस नदी पर जो बसा हुआ शहर है उज्जैन, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में आया है, उज्जैन किस नदी पर बसा है, उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है उज्जैन। ठीक है, शिप्रा नदी या छिप्रा भी बोलते हैं, तो इस नदी पर आपको उज्जैन में है बसा हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं 19th नंबर पे, आगे है स्वर्णरेखा नदी पर कौन से शहर बसे हैं, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी है, ये स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड में रहती है। ठीक है, झारखंड की नदी है, बिहार और झारखंड में रहती है नदी। तो स्वर्णरेखा जो रिवर है, इस रिवर पर जमशेदपुर स्थित है, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर, यहाँ पे टाटा स्टील का प्लांट बना हुआ है। ठीक है, जमशेदपुर, स्वर्णरेखा जमशेदपुर, समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, करते हैं आगे। एक और पूछा गया था कि विश्वामित्री, ठीक है ये याद रखिएगा, ये रिवर थोड़ा सा, ठीक है, विश्वामित्री ये रिवर गुजरात में बहती है, ये नदी, इस नदी पर कौन सा शहर बसा है, तो वडोदरा, वडोदरा ये पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्वामित्री, तो इस नदी पर कौन सा शहर बसा है, वडोदरा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था अभी पिछले साल। ठीक है, तो विश्वामित्री पर वडोदरा, इस नदी पर वडोदरा शहर बसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं, ये होगा इंपॉर्टेंट शहर जो थे, साबरमती पर अहमदाबाद, ताप्ती पर सूरत, और शिप्रा नदी या उज्जैन बसा हुआ है, और स्वर्णरेखा पर जमशेदपुर, और विश्वामित्री वडोदरा, ये इंपॉर्टेंट है वडोदरा। ठीक है, तो विश्वामित्री वडोदरा, ये हो गए। आगे कुछ बचे हुए हैं वो भी हम खत्म करते हैं, 20 हो गए। 21 नंबर, 21,
21 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, महानदी की बात करें, महानदी तो महानदी 20 सर पर इंपॉर्टेंट है सांभरपुर। ठीक है, सांभरपुर सांभर सांभरपुर ये कहाँ है? महानदी। ठीक है, महानदी पर बसा हुआ शहर है सांभरपुर। और इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जितना इंपॉर्टेंट ये शहर है कटक। ये पूछा गया कई बार एग्जाम में कि कटक, कटक जो है वो किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिएगा। महानदी पर बसा हुआ जो शहर है वो है कटक। ठीक है, आगे आते हैं 22 नंबर पर। ठीक है, 22 पे चलते हैं, उसमें देख लेते हैं कि 22 नंबर पे कौन सा शहर बसा हुआ है। अगर हम बात करें तो हुगली नदी, हुगली इस नदी पर बसे हुए जो शहर है वो है कोलकाता। ये भी पूछा गया कई बार कि कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है, तो वह है हुगली नदी पर। ठीक है, कोलकाता। और एक और इंपॉर्टेंट जो शहर है, नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, ये पूछा भी गया है। ब्राह्मणी नदी ये उड़ीसा में रहती है ये नदी। ठीक है, तो इस ब्राह्मणी नदी पर जो शहर बसा हुआ है वो है राउरकेला। ठीक है, राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में, उड़ीसा में ये नदी है राउरकेला। ठीक है, टाटा स्टील का प्लांट है वहां पे। ठीक है, इसलिए फेमस है, झारखंड और उड़ीसा में रहती है नदी, ब्राह्मणी नदी राउरकेला। आगे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि पणजी, पणजी किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये है मांडवी नदी पर, ये पूछा गया था अभी। ठीक है, मांडवी अभी जो एएलपी के एग्जाम हुए थे, रेलवे ने कराए थे, उसी में पूछा गया था कि पणजी किस नदी पर स्थित है, तो वह है मांडवी, मांडवी नदी पर स्थित है पणजी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नदी नहीं इंपॉर्टेंट है, नदी का नाम भी नहीं सुना होगा लेकिन पणजी नदी है। ठीक है, ये पणजी जो है वो मांडवी नदी पर है। 25th पर आते हैं, 25th पुणे, पुणे भी पूछा गया कि पुणे किस नदी पर है, तो यह है मूला नदी। ठीक है, मूला नदी इस पर स्थित है ये पुणे। ये सब इंपॉर्टेंट है, नदियां नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है फिर ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये शहर इंपॉर्टेंट है जो बस है पुणे, पुणे। ठीक है, पुणे ये मूला नदी। ठीक है, मूला नदी ये है आपका पुणे स्थित है इसमें। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, ये जो ये पांचों है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों, हुगली, महानदी, सांभरपुर, कटक, कटक इसमें से इंपॉर्टेंट है, महानदी, सांभरपुर और कटक। हुगली नदी की बात करें तो हुगली कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणी राउरकेला बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा में ये नदी है, मांडवी, पणजी, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है, मूला और पुणे। ठीक है, मूला नदी पुणे, इसी को मूर्था भी बोलते हैं इस नदी को। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके पांच, मैंने 25 बता दिए। ठीक है, पांच और बचे हैं, शायद 4 या 5। ठीक है, उनको भी खत्म करते हैं, चलिए इसको रेस करते हैं, नोट करते रहिएगा आपको। 26th नंबर पर चलते हैं, 26th नंबर पर, 26th
मूसी रिवर, जो मूसी नदी है, इस नदी पर कौन सा शहर बसा है पूछा गया है। तो मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर। हैदराबाद। ठीक है, 27 हैदराबाद हो गया। और अगली जो नदी है नेत्रावती, ये जो नदियां हम लास्ट में करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नदियां। ठीक है, नेत्रावती जो नदी है इस नदी पर स्थित है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। नेत्रावती इस नदी पर जो स्थित है मंगलौर, ठीक है, बेंगलुरु जिसे बोलते हैं, मंगलौर। ये स्थित है नेत्रावती नदी पर। ठीक है, ये नदियों के नाम थोड़े से अजीब हैं, सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब जो सहायक नदियां हैं बड़ी बड़ी नदियों की, ये सहायक नदियां हैं। तो नेत्रावती ये मंगलौर है, मंगलौर स्थित है। आगे आते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर पर पेन्नार रिवर, ठीक है, पेन्नार सुना होगा, पेन्नार रिवर केरल में रहती है। ये पेन्नार, पेन्नार जो नदी है इस नदी पर जो स्थित शहर है वो है नेल्लोर। ठीक है, नेल्लोर, ठीक है, नेल्लोर, नेल्लोर जो है ये पेन्नार रिवर पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 29 नंबर पर, ठीक है, और वैगई, वैगई नदी, वैगई जो नदी है रिवर है वैगई, वैगई। ठीक है, तो वैगई पर स्थित जो शहर है वो है मदुरई। मदुरई शहर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मदुरई, पूछा गया था अभी। मदुरई उसको स्टार बना दिया, इंपॉर्टेंट तो है ही। मदुरई कहाँ पे है? वैगई नदी रिवर पर स्थित है, नदी पर स्थित है। आगे आते हैं 30 नंबर, 30 नंबर पर नोयाल, ठीक है, नोयाल नदी पर कौन सा स्थित शहर है? नोयाल, ठीक है, ये नोयाल नदी पर कौन सा, ये नदी जो है तमिलनाडु में रहती है, तमिलनाडु में बहती है। तो इस नदी पर कौन सा शहर बसा है? कोयम्बटूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक है, तो कोयम्बटूर किस नदी पर है? नोयाल नदी है और यह तमिलनाडु में है। मैंने लिखा नहीं कौन सी नदी किस राज्य में है, यह नदियां पढ़ाएंगे तब बताएंगे, फिलहाल हमने बता भी दिया साथ साथ में कि कौन सी नदी किस राज्य में है ये। ठीक है, तो ये हो गई 30 थी लगभग, ये इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन नदियों से। ठीक है, कि कौन सी नदी किस नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो रिवाइज करिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको लर्न हो जाए। ये हमारा चौथा टॉपिक था स्टैटिक जीके का, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं फिर इसको खत्म करते हैं। मूसी नदी इस पर हैदराबाद स्थित है, मूसी नदी पर हैदराबाद, नेत्रावती मैंगलोर, नेत्रावती पर मैंगलोर, पेन्नार नेल्लोर, पेन्नार जो है वो नेल्लोर, पेन्नार नदी पर नेल्लोर स्थित है, वैगाई मदुरई में स्थित है, और नोयाल कोयम्बटूर, नोयाल तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हमारी थी 30 नदियां, हमने आपको बताई 30 नदियों पर बसे हुए जो शहर थे वो बताए, जो लास्ट के आपके 10-12 हमने नदियां बताई वो इंपॉर्टेंट थी ज्यादा, वो पूछी गई थी। ठीक है, थोड़ी सी अजीब नदियां थी वो, और वही इंपॉर्टेंट ही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर, ये भारत की नदियां थी सारी, भारत की नदियों पर बसे हुए ये शहर थे। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, टॉपिक नंबर 5, उसमें हम आपको विश्व में नदियों के किनारे बसे हुए शहर बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वहां पे। ठीक है, वहां पे ज्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, लेकिन वहां पे जो विश्व में जो नदियां हैं उनके किनारे जो बसे हुए शहर हैं पूछे जाते हैं उन पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 5th टॉपिक पर वो आपको कल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।